देख रहे हैं सिड न्यूज परिधि, मैं माथुर। आइए डालते हैं नजर आज की ताजा तरीन खबरों पर। बरेली के भोजीपुरा थाना क्षेत्र में एक अंतर्राष्ट्रीय कार चोर गिरोह पकड़ा गया। आपको बता दें कि लगातार दिल्ली से कारें चुराकर उनको राज्य में सप्लाई करने का काम ये गिरोह करता था। लगातार शिकायतें मिलने के बाद बरेली पुलिस इन पर निगाहें बनाई हुई थी, जिसके बाद आज मुठभेड़ में पुलिस ने पकड़ लिया है। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए डॉक्टर संसार सिंह SP ग्रामीण ने बताया। पुलिस मुठभेड़ के बाद 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं और उनके 8 साथी भाग गए हैं। इन 5 साथियों से 6 लग्जरी गाड़ियां और 3 बुलेट मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं। पूछताछ में इनके द्वारा बताया गया कि ये राजधानी दिल्ली से गाड़ियां चुराते थे और जगह जगह बेचते थे। तो अभी तक जो 5 अभियुक्त थे उनकी निशादेही पर उनके पास से ये 9 गाड़ियां मिली हैं। बाकी गैंग पर काम किया जा रहा है और इसमें कौन कौन शामिल रहे होंगे उनका भी पता कराया जाएगा। ये चेसिस नंबर भी बदल ले, चेसिस को टेम्पर कर देते थे, नंबर बदल लेते थे, कागज़ बदल लेते थे। इसमें कौन कौन लोग कागज़ बदलने वाले में इन्वॉल्व रहे हैं उनका पता लगाया जाएगा। इसमें काफ़ी काम अभी करना है। जो मुख्य सरगना है इनका हसीब संभल का रहने वाला है, वो भागने में सफल हो गया है, उसे भी जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। इसमें जो खरीदार हैं, क्योंकि लग्जरी गाड़ियां थी, ज़्यादा कीमत की गाड़ियां थी, उनमें 2 प्रॉपर्टी डीलर अमन और नंदराम हैं और एक जो प्रधान भागने में सफल हो गया है वो नज़रगंज का प्रधान है, जो थाना बेहड़ी में गांव पड़ता है। नहीं, ये सामान्य मुठभेड़ थी, इसमें किसी को चोट नहीं आई है। और इसमें क्षेत्राधिकारी नवाबगंज और प्रभारी निरीक्षक भोजीपुरा का विशेष योगदान है और वहाँ की पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है। SSP साहब ने 25,000 रुपये इनाम देने की घोषणा की है पूरी टीम को।